आपके, ये चिपलून की डिश है और उसके लिए हमें चाहिए आधा किलो मैदा, 200 ग्राम शक्कर, 100 ग्राम बटर, 2 अंडा लेना है, बेकिंग सोडा लेंगे आधा चम्मच से भी कम, 1 बड़ी चम्मच तिल लेना है सफ़ेद, बेकिंग पाउडर लेंगे आधा चम्मच, दूध लेंगे ज़रूरत के हिसाब से, थोड़ा सा नमक लेंगे और इलायची पाउडर लेंगे आधा चम्मच। सब में पहले हम गैस में छोटा सा बर्तन रखेंगे। अभी मैं बटर को मेल्ट करने वाली हूँ तो मैं इसमें बटर मिलाऊंगी। हमें बटर को पकाना नहीं है, मेल्ट करना है सिर्फ। तो बटर मेल्ट होते के साथ हम गैस को बंद कर देंगे। बटर हमारा मेल्ट हो चुका है, अभी गैस को बंद कर देंगे और इसे पूरा ठंडा करने रख देंगे। साथ साथ में अभी हमें शक्कर भी पीस के लेना है। तो मिक्सी पॉट ली हूँ मैंने, अभी मैं इसमें शक्कर को ऐड करूँगी। मैंने यहाँ पे टोटल 200 ग्राम शक्कर लिया है, आप अपने हिसाब से शक्कर लीजिए, जितना आप मीठा पसंद करते उस हिसाब से शक्कर ऐड कीजिए। अभी इसका बारीक पाउडर बनाएंगे हम। शक्कर हमारी पीस के तैयार हो चुकी है, इसे साइड में रख दूंगी और वही मिक्सी पॉट में हमें 2 अंडा फेंटना है। तो 2 अंडे को मैंने पहले से तोड़ के रखी हूँ, अभी मैं इसमें अंडा ऐड करूंगी। इसका भी हम फेरा लेंगे अच्छे से। अंडा भी हमारा फेंट के तैयार है, अभी हम अंडे को साइड में रख देंगे और एक थाला लेंगे बड़ा सा, हमें सारा मिश्रण मिक्स करना है। सब में पहला मैं मैदा ऐड करूंगी इसमें। साथ में शक्कर भी मिला दूंगी पीसा हुआ। इसे मिक्स करेंगे अच्छे से। अभी इसमें सूखे पाउडर सब ऐड करेंगे हम, नमक डालेंगे, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, इलायची पाउडर और तिल भी डाल देंगे। इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब इसमें बटर ऐड करेंगे जो हमने मेल्ट करके रखा है, ये भी डाल देंगे। और साथ में अंडा भी डाल देंगे। अभी आटे के साथ इसे अच्छे से गूनेंगे, मिक्स करके लेंगे अच्छे से। बटर और अंडा आटे के साथ में अच्छे से मिक्स हो गया है। अभी हम इसमें दूध डालेंगे क्योंकि हमारा आटा सूखा है, तो दूध हिसाब से डालना है हमें। एक साथ में दूध को ऐड मत कीजिए, थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करेंगे। अभी आटा गूंद के लेंगे हम, जितनी ज़रूरत है उतना दूध डाल के हम आटा गूंद के लेंगे। आटा गूंद कर हमारा तैयार हो चुका है, अभी हम इसे ढक्कन से ढक के 4 घंटा फुलाने रखेंगे। और इसमें टोटल मुझे दूध 1 कप लगा है, बाकी का दूध हम बचा देंगे। अभी इसे फूलने दीजिए 4 घंटा। 4 घंटे हो चुके हैं, आटा हमारा अच्छे से फूल गया है। अभी हम इसके गोले बनाएंगे। तो मीडियम साइज का आटा लेंगे हम, बस इतना। अभी इसका गोला बना के हम रखते जाएंगे। दूसरी प्लेट में रखेंगे और बाकी के गोले भी हम इसी तरह से तैयार करेंगे। अभी आटे का गोला लूंगी और इसे बेलने का है हमें। तो थोड़ा सा हम घी नहीं तो बटर लगाएंगे, बस इस तरह से, और इसे बेलेंगे। हमें ज्यादा पतला नहीं करना है रोटी को, मीडियम साइज का बेलेंगे हम। रोटी हमारी बेल के हो चुकी है, अभी हम कटर से इसे कट करेंगे। जिस तरीके से हम खजूरी कट करते हैं उसी तरीके से हमें इसे कट करना है।
हमारी कट करके हो चुकी है, हमें ये साइज का कट करना है। अभी हम इसे तेल में तलेंगे। तो मैंने तेल गरम करने रखी हूँ गैस पे, और तेल भी हमारा गरम हो गया है। गैस को भी कम करूंगी और एक एक करके डालते जाऊंगी। इसे बारीक आंच में हमें पकाना है, तो गैस को फास्ट नहीं करेंगे, बारीक आंच में इसे पकाएंगे। एक साइड हमारे हाफ केक बन चुके हैं, अभी इसे हम पलट देंगे। बस इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता इसे पलटते जाना है और अच्छे से फ्राई करना है। हफ्ते हमारे तैयार हो चुके हैं, ब्राउन हो गए। अभी हम इसे तेल से निकाल देंगे और तेल से छान के इसे प्लेट में निकाल के रखेंगे। और इसी तरह से हमें सारे हाफ केक बना के तैयार करने हैं। आपके हमारे तल के तैयार हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। मैं इसे आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये अंदर से नरम और ऊपर से कुरकुरा बनता है, इसे अभी हम सर्व करेंगे। लीजिए, तैयार है हमारे हाफ केक। इसे जरूर ट्राई कीजिए, और आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।